हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत कुमार और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सिबीगंज बरेली में। आइए चलिए देखते हैं हम किस तरह से यौगिकों के रासायनिक सूत्रों को लिखते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने को सीखा था। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेके उसको आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है आयन, या फिर उन आयन नहीं है, परमाणु है, तब उनकी संयोजकता। तो आयन हो या फिर परमाणु हो, तत्व हो, उनकी संयोजकता। तो अभी के लिए हम सबसे पहले आयन, आयन बेसिकली क्या होते हैं? कोई भी जो ऐसे पदार्थ जिन्हें हम जल में घोलते हैं और वो दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाते हैं, जैसे आयनिक यौगिक बोलते हैं उन्हें, जैसे नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl2। तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं, आयनिक पदार्थ, इन्हें हम जब जल में घुलते हैं तो ये अपने अवयवी भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो जो भाग विभाजित हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये NaCl है, तो ये NaCl दो भागों में टूट जाता है, Na में और Cl में। तो क्या होता है, जब ये टूटते हैं तो इन पर कुछ ना कुछ एक आवेश आ जाता है, चाहे वो धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो। तो एक भाग पर धनात्मक आवेश होता है, दूसरे भाग पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिन पर कुछ धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, ऐसे स्पीसीज को आयन कहते हैं। इन आयनों को की कुछ संयोजकताएं होती हैं। जिस परमाणु पर जितने धनावेश लगे हों या जितने ऋणावेश लगे हों, वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे Na पर एक धनावेश लगा हुआ है तो इसकी संयोजकता एक हो गई। इसी तरह से क्लोरीन परमाणु पर एक ऋणावेश लगा हुआ है तो इसकी संयोजकता एक हो गई, माइनस की। तो हम यहाँ पर किस तरह से यौगिकों के सूत्र लिखते हैं उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले ये वाला फार्मूला ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो भी हमें पदार्थ दे रखा है उसमें कौन कौन से तत्व, परमाणु या आयन उपस्थित हैं। तो उसके नाम से ही पता लग जाता है कि उसमें कौन सा आयन या मूलक उपस्थित है या कौन सा तत्व उपस्थित है। तो यहाँ पर नेम से पता लग रहा है इसमें सोडियम है और क्लोरीन उपस्थित है। तो इनके प्रतीक अक्षर लिख लेते हैं, सोडियम है और साथ ही साथ क्लोरीन है। तो सोडियम हमने लिख लिया और क्लोरीन लिख लिया। इसके जस्ट नीचे इनकी संयोजकताएं लिखते हैं। Na की संयोजकता कितनी है? एक है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? एक ही होती है, इस पर माइनस का एक चार्ज होता है। अब इनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछी गुणा करते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा, रासायनिक सूत्र वो हो जाएगा Na, कितना हमें जोड़ना है, एक। Na हो गया एक। क्लोरीन कितना जोड़ना है, वो भी एक जोड़ना है। तो सूत्र हो गया Na1Cl1। अब यहां पर जो हमने बन लिखा है, ये परमाणुओं की संख्या लिखी है,
तो ये अंडरस्टूड होता है, वन को नहीं लिखते हैं। अगर एक से ज्यादा परमाणु है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तब उनकी संख्या को यहां पर प्रदर्शित करते हैं। एक को नहीं लिखते हैं, अगर आप लिख भी देते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन उसे लिखा नहीं जाता है। तो सीधे सीधे इसका जो रासायनिक सूत्र है वो हो गया NaCl। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या क्या उपस्थित है, तो नाम से ही पता लग रहा है उसमें एल्यूमिनियम है। ऑक्साइड, ऑक्साइड से पता लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। अब एल्यूमिनियम की क्या संयोजकता होती है वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। तब हम क्या करेंगे इसका रासायनिक सूत्र लिखने के लिए, फिर तिरछी गुणा करेंगे एल्यूमिनियम की 2 से और ऑक्सीजन की 3 से। तो एल्यूमिनियम कितना मिलेगा, 2 बार एल्यूमिनियम, 2 बार Al2। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु। तब रासायनिक सूत्र इसका हो जाता है एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनके रासायनिक सूत्रों से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये सोडियम क्लोराइड है। क्वेश्चन आता है कि रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो किसी भी यौगिक का जो रासायनिक सूत्र है वो हमें ये बताता है कि उस यौगिक के एक अणु में, ये पूरा एक अणु कहलाता है, तो एक अणु में कुल कितने परमाणु हैं और किस किस तत्व के हैं। जैसे इसी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एक अणु में एल्यूमिनियम के 2 परमाणु उपस्थित हैं और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, तो इसमें नाम से पता लग रहा है कि ये सोडियम है। एसीटेट ये एक आयन होता है जिसका सूत्र होता है CH3COO-। तो यहां पर हमें ये माइनस या प्लस चार्ज लगाते नहीं है, तो उसके लिए अभी हम छोड़े दे रहे हैं यहां पर। और क्या लिखना है, इनकी संयोजकताएं प्रदर्शित करनी है इनके नीचे। तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है और एसीटेट की संयोजकता 1 होती है। तब इनके रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, यहां पर लास्ट में था ये माइनस का चार, तो लास्ट में ही ये हमें जोड़ना है। तो सूत्र हो जाएगा CH3COO और Na, दोनों ये इतना पूरा एसीटेट आयन 1 जोड़ना है और सोडियम भी 1 जोड़ना है। तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया CH3COO Na। इसी तरह से पोटेशियम सल्फेट,
इसके नेम से हमें पता लग रहा है इसमें कौन कौन सी चीजें उपस्थित हैं। एक तो पोटेशियम उपस्थित है, तो इसका प्रतीक अक्षर होता है के। सल्फेट, ये आयन होता है जिसका सूत्र होता है SO4 माइनस के, दो चार्ज होते हैं इस पे। तो इनकी संयोजकताएं पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है? एक। सल्फेट की संयोजकता होती है दो, क्योंकि इस पर माइनस के दो चार्ज होते हैं। इनके इसका रासायनिक सूत्र लिखना हो तब कैसे लिखेंगे? के कितनी बार? दो बार। सल्फेट कितनी बार? एक बार। तो पूरा SO4। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं और इन रासायनिक सूत्रों का क्या मतलब होता है। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।